जा रही है, जिसके साथ पहले उसका कार से अपहरण किया जाता है, बाद में तीन लोगों द्वारा उसका बलात्कार किया जाता है। नहीं, जो पीड़िता है वो शहडोल जिले की बनसुखिया के पास जो व्यवहारी थाना है वहाँ की रहने वाली है, और 10 जनवरी को वो वहाँ से जबलपुर से भोपाल निकली हुई थी। उसका जो सोशल मीडिया का एक फ्रेंड था मिस्टर कृष्णा, उसके साथ यहाँ पर काम करने के लिए आने का की बात पर वहाँ से रवाना हुई थी। यहाँ पर आई और जो है नेक्स्ट डे पर वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलती एक ऑटो वाला मिलता है, ऑटो में जाने से उसने मना किया, फिर वही ऑटो वाला दो अन्य व्यक्तियों की बड़ी गाड़ी लेकर के आता है। ऐसा पीड़िता के द्वारा बताया गया है कि पास के एक मकान में लेकर के जाते हैं और वहां पर उसके साथ बलात्कार करते हैं। उस संबंध की रिपोर्ट उसके द्वारा 19 जनवरी को शहडोल जिले में करवाई जाती है अपने नजदीकी थाने में। वहां पर जीरो पर कायमी होकर के यहां विवेचना के लिए आई हुई असल कायमी पर उसके सारे कथनों की तस्दीक की जा रही है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, और एक मोबाइल नंबर भी संदिग्ध मिला हुआ है, उसके आधार पर आरोपियों की पतारसी की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो आरोप है ये सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। क्या पीड़िता जानती थी पूर्व से आरोपियों को? नहीं, पीड़िता का ये कि सोशल मीडिया का एक फ्रेंड है, उसके साथ में यहाँ काम करने के आना बताया उसने, लेकिन वो मोटरसाइकिल से ना करके ट्रेन से अकेली आई है, और यहाँ पर उससे मुलाकात ना हो करके तीन अज्ञात व्यक्तियों से उसकी मुलाकात हुई है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। बाकी उसके सहपाठी का क्या योगदान है उसमें और उस षड्यंत्र में क्या शामिल है, ये सारा विवेचना का के तथ्य हैं और उनका पुष्टि किया जाएगी।